एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में, और ये हमारी बायो के पार्ट 13 का पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे और कुछ नई ऐसी फैक्ट्स, ऐसी डिटेल्स जो हमारे प्रीवियस ईयर से पूछी गई है और ये बहुत ज़रूरी है हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो पूरा देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इसमें मैं लगभग 40 क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा जो आपके पिछले सालों से मैंने उठाए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि मेल्विन केल्विन को नोबेल प्राइज़ मिला था अपने काम के लिए, और उन्होंने काम किया था फोटोसिंथेसिस के ऊपर। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के काम के लिए उन्हें अपना नोबेल प्राइज़ मिला था। द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा फूल किसे कहते हैं, वो है रेफ्लेसिया। ठीक है, सबसे बड़ा फूल वर्ल्ड में रेफ्लेसिया है, और सबसे छोटा फूल है वोल्फेसिया। ठीक है, रेफ्लेसिया मतलब सबसे बड़ा फूल और वोल्फेसिया मतलब सबसे छोटा फूल। ठीक है, पेंसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द पेंसिलियम नोटटम। ठीक है, देखिए पेंसिलिन का आपने नाम सुना होगा, वो हमारी कहाँ से मिलती है, वो हमें मिलती है पेंसिलियम नोटटम से। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका रिजर्पाइन डिराइव फ्रॉम द प्लांट सर्पेंटाइन इज यूज टू एलिवेट हाई ब्लड प्रेशर। देखिए जो रिजर्पाइन है आपका एक चीज है, ठीक है, एक सब्सटेंस होता है आपका, जो हमें एक सर्पेंटाइन प्लांट से मिलता है। ठीक है, और जिसका भी लो ब्लड प्रेशर होता है हम उसे ये दे सकते हैं, उससे क्या होता है उसका जो प्रेशर है ब्लड प्रेशर वो हाई हो जाता है, और उसे हाई ब्लड प्रेशर तक मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर तक पहुंचा देता है अगर वो लो है, और अगर हमने नॉर्मल वाले को दे दिया तो उसका हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो क्या है वो, रिजर्पाइन। नेक्स्ट है आपका प्लांट्स लिविंग इन एसिडिक सॉइल। देखिए जो एसिडिक सॉइल में भी आपके प्लांट रह सकते हैं या बन सकते हैं या प्रोड्यूस हो सकते हैं, उन्हें कहते हैं हम ऑक्सिलोफाइट्स। ठीक है, ऑक्सिलोफाइट्स मतलब एसिडिक प्लांट्स जो आपके एसिडिक सॉइल में भी रह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फोटोसिंथेसिस इज द मोस्ट एक्टिव इन ब्लू एंड रेड लाइट इन विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड CO2 इज नॉट अ लिमिटिंग प्रोसेस ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए वो क्या कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो नॉर्मली आपका सबसे ज़्यादा पार्ट कब लेता है, वो ब्लू लाइट और रेड लाइट में आपका सबसे ज़्यादा होता है, और एक एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और उसमें CO2 जो होती है आपकी वो एमिट नहीं होती है। ठीक है, ये CO2 है, यहाँ पर O हट गया है, C आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। द स्मॉलेस्ट बोन, देखिए अभी आपको जस्ट पिछली वीडियो में बताया था स्टेप्स होती है स्मॉलेस्ट बोन, और वो इंसान के कान में पाई जाती है। ठीक है, एंजाइम्स क्या हैं, देखिए एंजाइम्स नॉर्मली प्रोटीन होते हैं। अभी पूछ लिया आपसे कि एंजाइम्स क्या है, तो आपको एग्जाम बताना है कि प्रोटीन होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पेनक्रियाज इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, पेनक्रियाज क्या है, पेनक्रियाज मिलकर बनता है आपको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड को मिला के। ठीक है, पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप जीरो आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर एंड वेद AB इज कॉल्ड यूनिवर्सल एक्सेप्टर। देखिए ये ग्रुप ओ है आपका, हम उसे यूनिवर्सल डोनर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें ना ए होता है ना बी होता है। ठीक है, तो हम उसे, ये आपके जो होते हैं ये एंटी होते हैं, ठीक है, एंटीजन होते हैं आपके, और इसलिए हम इसे दे सकते हैं, हम इसे नहीं कहीं भी छुपा सकते हैं, हम इसे यूनिवर्सल डोनर बना सकते हैं। ठीक है, और जो ए और बी होता है उसमें ए भी होता है उसमें बी भी होता है, तो वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, वो किसी से भी खून ले सकता है। नेक्स्ट है आपका सीडलेस फ्रूट्स, जो आपके जो बीज नहीं होते जिन फ्रूट्स में, वो ठीक है, वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं आपके पार्थेनोजेनेसिस। ये मैंने आपको जब फ्रूट्स में बताया था तभी मैंने आपको बताया था कि जो आपके सीडलेस फ्रूट्स होते हैं वो पार्थोजेनेसिस से बनाए जाते हैं। सिंपल प्लांट्स दैट कंटेन नो क्लोरोफाइल आर कॉल्ड फंगी। देखिए ऐसे सिंपल प्लांट्स जिसके अंदर क्लोरोफाइल नहीं होता, देखिए हर प्लांट के अंदर क्लोरोफाइल होता है, पर ऐसे सिंपल प्लांट जिनके अंदर क्लोरोफाइल नहीं होता वो आपके फंगी कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कि स्पायरोग्री, ठीक है, स्पायरोजारिया, आपको स्पायरोजारिया क्या होता है, जारिया वो होता है आपका पॉन्ड सिल्क। ठीक है, स्पायरोजायरा को हम नॉर्मली क्या कहते हैं, पॉन्ड सिल्क। ओके, इस नाम से वो जाना जाता है। द लॉन्गेस्ट मसल
इन ह्यूमन बॉडी। देखिए जो सबसे लंबी मसल्स होती हैं आपकी ह्यूमन बॉडी में वो होती है थाई की मसल, आपके जांग की मसल, ठीक है। इन अ लीफ द ओपनिंग बिटवीन टू गार्ड सेल, देखिए जो आपकी लीफ होती हैं पत्ते होते हैं उनके बीच में एक ओपनिंग होती है पत्तों में दो सेल्स के बीच में, तो गार्ड सेल्स के बीच में वो क्या होता है, वो होती है स्टोमेटा, ठीक है। किसी दो गार्ड सेल्स के बीच में जो ओपनिंग होती है लीफ में वो हम उसे स्टोमेटा के नाम से जानते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका जो है वो है गिबरेलिन्स, ठीक है। गिबरेलिन्स जो है आपकी वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, सेल एनलोंगेशन, ठीक है। जो आपके सेल्स बढ़ जाते हैं लंबे हो जाते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, गिबरेलिन्स की तरफ से, ठीक है। द केमिकल नेम ऑफ क्लोरोफाइल, देखिए केमिकल नेम है जो क्लोरोफाइल का वो क्या है, क्लोरोफाइल का जो केमिकल नेम है वो है मैग्नीशियम डाइहाइड्रोप्रोफाइजेन, ठीक है, ये उसका केमिकल नेम है। बाइल होती है जो आपके लिवर में प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और जो स्टोर होती है वो गैल ब्लैडर में, ठीक है। तो जो बाइल जो आपका बनता है वो लिवर में बनता है और स्टोर कहाँ पर जाके होता है, वो होता है गैल ब्लैडर में, ओके। उसके बाद है आपका जो जितनी भी आर्टरीज होती हैं, ठीक है, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के वो सारी आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिनके अंदर ऑक्सीजन है वो ब्लड लेकर चलती हैं, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी ऐसी होती है जो अनप्योर ब्लड लेकर चलती है, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ WBC वाइट ब्लड सेल्स जो आपके हैं वो क्या होता है, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना जिससे वो डिजीज़ को ख़त्म कर सके, ओके, ये होता है WBC का मेन काम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेटिना इन द आई एक्ट एज ए फिल्म इन द कैमरा, ठीक है। देखिए जो रेटिना होता है आपका आई में वो किस तरह काम करता है, रेटिना आपका काम करता है एक तरह समझ लीजिए कैमरे की जो रील होती है या जो फिल्म होती है उसकी तरह वो काम करता है। नेक्स्ट है आपका द ह्यूमन टीयर्स, ठीक है, ह्यूमन टीयर्स कंसेंट ए माइल्ड एंटीबैक्टीरियल एजेंट नेम्ड लाइसोजाइम, ठीक है। देखिए जो आंसू होते हैं हमारे इंसान के वो एक तरह से एंटीबैक्टीरियल एजेंट होते हैं इनके अंदर जिसको हम कहते हैं लाइसोजाइम, ओके। द बिगेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, देखिए जो सबसे लंबी हड्डी है हमारे इंसान के अंदर वो क्या है, उसे हम कहते हैं फेमर, ठीक है, फेमर के नाम से जो सबसे लंबी हड्डी है उसे हम फेमर कहते हैं, ओके। विटामिन B12 क्या होता है, देखिए विटामिन B12 आपका बता दिया था मैंने जो नॉर्मली प्लांट्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, और आपको मैंने इसकी डिटेल भी सारी विटामिन्स के अंदर मैंने बताई है, इसकी डिफिशियंसी होने वाला भी मैंने आपको बताया है, ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बताया, मेरी आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, ये सबसे ज़्यादा प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। अब एग्रोस्टोलॉजी क्या होता है, देखिए एग्रोस्टोलॉजी जो होती है स्टडी होती है ग्रास की, घास की पढ़ाई को हम एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फाइकोलॉजी क्या है, फाइकोलॉजी हम कहते हैं उस स्टडी को जिसमें हम एल्गी के बारे में पढ़ते हैं वो भी फॉसिल्स के थ्रू, ठीक है, और जब फॉसिल्स को पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं पैलेंटियोलॉजी, ठीक है। पैलेंटियोलॉजी की पढ़ाई को हम फॉसिल्स की पढ़ाई कहते हैं और फाइकोलॉजी को हम एल्गी की पढ़ाई कहते हैं, ठीक है। और हाइड्रोपोनिक्स, देखिए हाइड्रोपोनिक्स क्या है, हाइड्रोपोनिक्स वो मेथड है जब हम कल्टीवेट करते हैं प्लांट्स को बिना मिट्टी के मदद से, मतलब प्लांट्स को उगाना बिना मिट्टी की मदद से वो आपका हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका पाल्कोबॉटनी, देखिए पाल्कोबॉटनी क्या है, पाल्कोबॉटनी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स बॉटनिकल स्पेसिमेंस, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्या कह रहा है वो, कि जब हम कोई पाल्कोबॉटनी क्या कहलाती है, जब हम फॉसिल्स की पढ़ाई करते हैं बॉटनिकल स्पेसिमेंस के थ्रू वो होती है हमारी पाल्कोबॉटनी, ठीक है। मतलब जो बॉटनिकल की जो मेथड्स हैं उनकी मदद से हम फॉसिल्स की पढ़ाई करते हैं तो हमारी पाल्कोबॉटनी वो कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेप्सिन एंड लैक्टोज, जो एंजाइम्स होते हैं अगर हम उन्हें प्रोटीन्स में मिला दें, ठीक है, तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुँच जाते हैं। देखिए पेप्सिन और लैक्टोज एंजाइम्स होते हैं वो हमारे प्रोटीन्स के अंदर होते हैं कहाँ पर, डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। अब हम कह रहे हैं द वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आर विटामिन बी एंड विटामिन सी, देखिए वाटर सोल्यूबल आपके विटामिन्स कौन कौन से होते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी, या मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन सी, ठीक है। और फैट्स सोल्यूबल आपने आपको बता ही दिया था, इसके अलावा जो आपके ए हैं आपके डी हैं आपके के हैं ये सारे आपके फैट सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट है आपका केमिकल चेंज इन DNA मॉलिक्यूल, जो केमिकल चेंज होता है आपका DNA मॉलिक्यूल में उसे म्यूटेशंस कहते हैं, जैसे एक्समैन की मूवीज में क्या होता था उनके DNA मॉलिक्यूल में चेंजेस आते जिन्हें म्यूटेशंस कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन आपका क्या है, ग्लाइकोजन एक्ट एज अ शॉर्ट टर्म फूड रिजर्व इन एनिमल्स, ठीक है।
ग्लाइकोजन क्या है, एक शॉर्ट टर्म फूड रिजर्व कहते हैं, ये फूड को रिजर्व कर लेता है छोटे टाइम के लिए एनिमल्स के अंदर, ठीक है, वो होता है आपका ग्लाइकोजन। एस्ट्रोजन क्या है, एस्ट्रोजन आपका देखिए जो होता है वो फीमेल सेक्स हार्मोन आपके एस्ट्रोजन के नाम से जाने जाते हैं। द एंजाइम एमलाइज एड्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है, जो एंजाइम्स एमलाइज होते हैं आपके डाइजेशन ऑफ स्टार्च में, ठीक है, किस में होते हैं, डाइजेशन ऑफ स्टार्च में, जो आपके एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो आपके स्टार्च होता है आपका डाइजेशन के लिए, उसके अंदर पाए जाते हैं आपके एंजाइम्स एमलाइज ऑफ एड्स, ठीक है। और एटीपी सिंथेसिस क्या होता है, देखिए एटीपी सिंथेसिस जो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। अब एटीपी सिंथेसिस की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी देखिए, ये जो आपका एटीपी सिंथेसिस होता है ना, एक तरह से कैटलिस्ट की तरह काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, और जो प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया की उसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करता है, पर खुद पे इफेक्ट नहीं आने देता, ये आपका एटीपी सिंथेसिस कहलाता है। 70% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ अ मैन इज वाटर, देखिए 70% जो वेट होता है, बॉडी वेट या पार्ट होता है वो वाटर होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द टफ्ट ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स द आई बॉल इज कॉल्ड द कॉर्निया, ठीक है, तो ये आपको बताया दिया था मैंने अभी पिछली वीडियो में कि जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है आपकी जो आई बॉल को प्रोटेक्ट करती है वो आपकी कॉर्निया कहलाती है। द एनर्जी इज प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी बाय कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, देखिए जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो किसकी मदद से होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की वजह से नहीं मिलती, प्रोटीन की वजह से जो मसल डेवलपमेंट होता है, जो एनर्जी मिलती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, ठीक है। शुगर इज प्रोडक्ट ऑफ द डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, देखिए देखिए जो आपका शुगर होता है ना वो कैसा प्रोडक्ट है, वो एक डार्क रिएक्शन का प्रोसेस है जो फोटोसिंथेसिस का होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस तो लाइट में होता है पर अगर अंधेरे में रखें तो आपका शुगर प्रोडक्ट आपका प्रोड्यूस होता है, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। तो ये आपके 40 क्वेश्चंस थे जो आपके बायोलॉजी के पिछले साल से थे, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।